क्या मोदी के चेहरे पर ही राजस्थान जीत पाएगी बीजेपी? क्या स्थानीय चेहरों का लोगों पर नहीं चल रहा जादू? क्या महारानी की धमक भी अब पड़ने लगी फीकी? ये सवाल इसलिए क्योंकि राजनीतिक हलकों में कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी को लेकर भी चर्चा चल रही है कि आखिर बीजेपी की ओर से सीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा। जब भी इस सवाल को बीजेपी नेताओं से पूछने की कोशिश की जाती है तो उनका एक ही जवाब होता है, हमारा चेहरा तो नरेंद्र मोदी ही होंगे। राजस्थान में जहां कांग्रेस अपनी सत्ता दोबारा लाने में जुटी है तो वहीं बीजेपी सत्ता पर काबिज होने की जीतोड़ कोशिश कर रही है। मंगलवार को बीजेपी ने सचिवालय का घेराव भी किया, लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान सियासी हलकों में चर्चाएं तेज है कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया इस प्रदर्शन से क्यों गायब रहे। चर्चा इसलिए भी क्योंकि इससे पहले जब बीजेपी ने जयपुर में विधानसभा का घेराव किया था तब भी पार्टी की एकता पर सवाल उठ रहे थे। वसुंधरा राजे झारखंड में तो पूनिया यूपी में पार्टी का काम कर रहे हैं। क्या पार्टी आलाकमान दोनों को राजस्थान से दूर रखकर पार्टी की एकता को बरकरार रखना चाहती है? ये चर्चा भी लोग आपस में कर रहे हैं। इस बीच एक सर्वे भी सामने आया है। इस सर्वे में चुनाव में बीजेपी के चेहरे को लेकर किए गए सवाल के नतीजे चौंकाने वाले रहे। ये सर्वे सी वोटर के द्वारा करवाया गया है। इस सर्वे में शामिल लोगों से सवाल किया गया कि बीजेपी को राजस्थान विधानसभा का चुनाव किसके चेहरे पर लड़ना चाहिए। इस सवाल के जवाब में सर्वे में शामिल 51% लोगों ने कहा बीजेपी को राजस्थान विधानसभा का चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ना चाहिए। केवल 26% लोगों ने कहा कि बीजेपी को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए। वहीं सर्वे में शामिल 23% लोगों ने कोई राय नहीं दी। इस ऑल इंडिया सर्वे में 2064 लोगों से बात की गई। इसमें मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5% है। राजस्थान में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है। इसके करीब 6 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। इसलिए राजस्थान का विधानसभा चुनाव राजस्थान के लिहाज से लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। अब बीजेपी राजस्थान में विधानसभा चुनाव किसके चेहरे पर लड़ेगी ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपका इस सर्वे को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक।